दोस्तों यदि आप भी श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिल तोड़ने वाली हार के बाद भड़की कोलकाता की मालकिन सुहाना खान गुस्से में आकर कैप्टन श्रेयस अय्यर को कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर कप्तानी पारी खेलने के बावजूद सुहाना खान ने श्रेयस अय्यर के बारे में भला बुरा क्यों कहा, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल में से शानदार खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल 2022 का आज 30वां मुकाबला खेला गया और इस बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में आखिरकार जीत राजस्थान रॉयल्स को मिली। जी हाँ, आज के मुकाबले ने ये साबित कर दिया कि ऐसे ही आईपीएल को विश्व की सबसे टफ टी20 लीग नहीं कहा जाता है। यदि इस मुकाबले की हम बात करें तो सबसे पहले जॉस बटलर ने एक बार फिर से बॉलबाजी इनिंग खेलते हुए सबका विस्फोट किया। टाटा आईपीएल 2022 में आज उन्होंने दूसरा शतक लगाया। उनके शतक की वजह से राजस्थान में केकेआर के सामने 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि संजू की टीम ही इस मुकाबले में जीतेगी। पर केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 51 गेंदों में 85 रन बनाए। वहीं एरन फिंच ने भी खतरनाक घातक शुरुआत देते हुए महज 28 गेंदों में ही 58 रनों की तूफानी पारी खेली। इन दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत केकेआर इस मुकाबले में आगे हो गई। फिर एंट्री होती है घातक और विश्व के सबसे खतरनाक लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की, जिन्होंने आज खतरनाक हैट्रिक लेकर सनसनी मचा रखी है। उन्होंने 5 विकेट लेकर जीत लगभग राजस्थान की झोली में डाल दी थी और एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान में केकेआर को 7 रनों से शिकस्त दे दी। वहीं इस सनसनीखेज हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की मालकिन सुहाना खान ने अपना बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम शानदार है, हम इस साल अच्छा खेले, लेकिन कुछ मुकाबलों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा साधारण जरूर रहा, लेकिन हमें यकीन है कि हम अगले मुकाबलों में अच्छी वापसी जरूर करेंगे। आज एक बेहद ही कांटे की टक्कर देखने को मिली और ऐसे मुकाबले कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। शुरुआत में खराब खेलने के बावजूद हमने इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हाँ कुछ फैसले ऐसे थे जो हमारे पक्ष में नहीं गए। श्रेयस अय्यर ने आज शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो कप्तानी में थोड़ी पीछे साबित रहे। अगर उन्होंने मैदान पर कुछ शानदार फैसले लिए होते तो हमारी टीम का नतीजा कुछ और होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि हमने गलतियां की हैं और हमारी टीम इसे सही जरूर करेगी। अगले मुकाबलों में हम दिखा देंगे कि आखिर हम क्यों फाइनल में पहुंच सकते हैं। दोस्तों हार के बाद सुहाना खान ने श्रेयस अय्यर को सुनाते हुए जिस तरीके से सनसनीखेज बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे उन्होंने अपनी टीम का बचाव करते हुए जिस तरीके से मोटिवेट किया है, उससे उन्होंने ये साबित किया है कि वो केकेआर की मालकिन बनने की हकदार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले साल की तरह इस बार भी फाइनल में जा सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।